नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम अब्बासियों की शासन व्यवस्था के विषय में हमने चर्चा की थी। आज हम अब्बासी शासन की समाप्ति और एक तरह से खिलाफत की समाप्ति और सल्तनतों के उदय की विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, सल्तनत किसे कहा गया है? जिस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जहां शासन स्थापित होता है, वहां शासक को राजा या सम्राट न कह करके और जब सुल्तान कहा जाता है तो वो सल्तनत कहलाती है। अर्थात उसका जो राज्य क्षेत्र है जिस पर वो शासन करता है वह सल्तनत कहलाती है, और उस राज्य क्षेत्र का जो मुखिया होता है वह सुल्तान कहलाता है। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी एशिया के अंतर्गत 9वीं शताब्दी के अंतर्गत छोटी छोटी अनेक सल्तनतों का उदय हो चुका था, इन्हीं के विषय में आज यहाँ हम चर्चा करेंगे क्यों हुआ था ऐसा। तो देखिए, हम जानते हैं कि इराक, ईरान, सीरिया आदि का जो क्षेत्र थे, अरब का जो क्षेत्र था, वहाँ पर इस्लाम धर्म की स्थापना हो चुकी थी और इस्लाम के अंतर्गत खलीफा इस समय सबसे बड़े शासक होते थे, और खलीफाओं के अंतर्गत उमैयद खलीफा और उसके 750 से अब्बासी खलीफाओं का जो शासन था वो स्थापित हो चुका था। 9वीं शताब्दी में आते आते अब्बासी खलीफाओं का शासन कमजोर पड़ने लग गया था। इसके कुछ कारण थे जो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, और इसी के कारण से जो दूर दराज के क्षेत्र थे वहाँ पर विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे राजवंश जो थे वो उत्पन्न हो गए थे, और इन्हीं राजवंशों के द्वारा सल्तनतों का उदय किया गया था। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, खिलाफत का उत्थान और सल्तनतों का उदय। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी से कमजोर होता गया। क्यों? क्योंकि दूर के जो प्रांत थे उन पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था। बगदाद जो अब्बासियों की राजधानी थी, वहां से नियंत्रण स्थापित होता था संपूर्ण साम्राज्य पर, वहीं पर खलीफा निवास करता था। तो 9वीं शताब्दी में आते आते खिलाफत कमजोर इसलिए पड़ने लग गई थी, इस्लामी राज्य कमजोर इसलिए पड़ने लग गया था क्योंकि जो खलीफा या जो राजधानी बगदाद थी उसका जो नियंत्रण था वो दूर दराज के इलाकों पर धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया था, जिससे दूर दराज के जो क्षेत्र थे वो इस्लामिक राज्य से अपने आप को स्वतंत्र करने लगे थे। इसका एक कारण यह भी था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया था। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अब्बासियों के समय अरब के लोग भी और ईरान के लोग भी दोनों ही सेना और नौकरशाही में शामिल किए गए थे। कबीलाई आधार पर सेना या नौकरशाही का पुनर्गठन नहीं किया गया था, गैर कबीलाई आधार पर किया गया था। ये बात हमने पहले भी की थी। तो गैर कबीलाई आधार पर किए जाने के कारण से ईरान और अरब दोनों ही क्षेत्रों के जो लोग थे वो सेना और नौकरशाही में शामिल थे। तो 9वीं शताब्दी के अंतर्गत अरब समर्थकों और जो इराक समर्थक जो लोग थे वो आपस में झगड़ने लग गए थे, आपस में लड़ने लग गए थे। सन 810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया था, जिससे गुटबंदी और अधिक गहरी हो गई थी, और एक तुर्की गुलाम अधिकारियों जिन्हें मामलुक कहा गया है उनका एक नया शक्तिशाली गुट बन गया था। यहाँ पर देखिए, 810 ईस्वी में खलीफा था हारून अल रशीद, उसके दो पुत्र थे अमीन और मामून। इन दोनों के जो समर्थक थे वो आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, और इन दोनों के समर्थकों में आपस में झगड़े शुरू हो गए थे। दोनों भाइयों के जो समर्थक थे वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, और ये चाहते थे कि हारून अल रशीद के पश्चात जो खलीफा है वो उन्हीं के समर्थक का नेता बने। तो यहाँ पर दोनों गुटों के मध्य झगड़े शुरू हो गए थे, जिससे कि दरबार में जो गुटबंदी पहले से चली आ रही थी अरबों और तुर्कों के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं अरबों और ईरान के समर्थकों के बीच, उनमें ये गुटबंदी और अधिक गहरी हो गई और अधिक इसमें तेजी आई। तो यहाँ पर जब ये गुटबंदी और अधिक तेज हो गई तो अंततः एक शक्तिशाली नया गुट सामने उभर करके सामने आया, जो तुर्की गुलाम अधिकारियों का था, जिन्हें मामलुक कहा जाता था। ये तुर्की गुलाम अधिकारी कौन थे? देखिए, खिलाफत के समय बहुत सारे तुर्की के जो गुलाम थे तुर्की क्षेत्र के, उन्हें अब खलीफा के द्वारा गुलाम बना करके उनसे काम करवाया जाता था। इनमें से कुछ गुलाम ऐसे थे जो अपनी योग्यता के आधार पर सेना और नौकरशाही में भर्ती हो गए,
और अंततः अपनी योग्यता के आधार पर उन्होंने उच्च पद प्राप्त कर लिए थे। तो ये जो गुलाम अधिकारी थे तुर्की के, ये उच्च पदों पर बैठ गए थे। बहुत सारे ऐसे गुलाम अधिकारी हो गए थे, अंततः इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था और आपसी जो ये झगड़े चल रहे थे इनका लाभ उठा करके इन्होंने स्वयं को शक्तिशाली कर लिया था, एक नया गुट बना लिया था जिसे मामलुक गुट कहा गया है या तुर्की गुलाम अधिकारियों का नया गुट कहा गया है। बहुत से छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए थे इस समय तक, जिससे अब्बासियों की सत्ता मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई थी। अभी जैसे हमने बात की थी, बगदाद का नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया था दूर दराज के क्षेत्रों पर, जिससे कि जो दूर दराज के क्षेत्र थे वो इस्लामी राज्य से अलग होने लग गए थे और स्वतंत्र राज्य बन गए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, स्वतंत्र राज्यों के बनने से जो दूर दराज के क्षेत्र थे वो इस्लामी राज्य से अलग हो गए और अंततः जो बगदाद की जो सत्ता थी अर्थात खलीफा की जो सत्ता थी वो केवल मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक ही सीमित रह गई थी, अर्थात वहीं तक उसका नियंत्रण रह गया था, बाकी क्षेत्र स्वतंत्र हो गए थे। सन 945 में ईरान के कैस्पियन क्षेत्र के बुवाही नामक सिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। अब देखिए 945 में क्या हुआ कि ईरान का जो कैस्पियन सागर का क्षेत्र है वहाँ का एक नया राजवंश था जो बुवाही नाम से जाना जाता था, ये सिया थे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिया और सुन्नी कौन थे। देखिए पैगम्बर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात जब उत्तराधिकार का प्रश्न आया तो ऐसे समय में इस्लाम के अंतर्गत दो गुट बन गए थे, एक सिया और दूसरे सुन्नी। जो पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे अली, हजरत अली, उनके जो समर्थक थे, जो पहला खलीफा उन्हें बनाना चाहते थे अली को, वो सिया कहलाए, और जो उनके विरोधी थे जो अबू बकर को पहला खलीफा बनाना चाहते थे वो सुन्नी कहलाए। तो इस प्रकार से अबू बकर के जो समर्थक थे वो सुन्नी थे और अली के जो चौथा खलीफा था उसके जो समर्थक थे वो सिया थे। तो सिया और सुन्नी पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद से ही इस्लाम में ये दो गुट बन गए थे और ये दोनों सदैव ही आगे चल करके एक दूसरे के विरोधी बने रहे। तो यहाँ पर ये जो बुवाही वंश है ये सिया वंश था जिसने बगदाद पर अपना अधिकार 945 में कर लिया था, जहाँ पर खलीफा निवास करता था। बुवाही शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की जैसे शहंशाह आदि। बगदाद पर इनका शासन स्थापित होने के बाद, अधिकार स्थापित होने के बाद इन्होंने बहुत सी वहाँ पर बगदाद में उपाधियाँ धारण की, शहंशाह आदि की कई उपाधियाँ धारण की, लेकिन बुवाही जो वंश के जो शासक थे उन्होंने कभी भी खलीफा की उपाधि धारण नहीं की। क्यों नहीं की इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो परंतु उन्होंने खलीफा की उपाधि धारण नहीं की और अब्बासी खलीफा को नाम मात्र का शासक बने रहने दिया, जिससे खलीफा सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बना रहा। अब यहाँ पर इन्होंने खलीफा की उपाधि धारण नहीं की और खलीफा का पद नाम मात्र का बने रहने दिया, अर्थात खलीफा को पद से नहीं हटाया, और इस प्रकार से खलीफा जो था वो सुन्नी जो प्रजाजन थे उसके, जो सुन्नी समर्थक थे, उन लोगों का एक तरह से प्रतीक के रूप में मुखिया वो बना रहा। ऐसा बुवाही वंश के शासकों ने क्यों किया, क्यों उन्होंने खिलाफत को समाप्त नहीं किया, स्वयं खलीफा की पदवी धारण क्यों नहीं की, इसके विषय में हम चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।